लोगों को जानकारी नहीं है। मतलब मशीन से पता चल जाता है और इसमें फायर अलार्म भी लगा हुआ है। बोले मतलब आपातकालीन स्थिति में काम आ सकती है। और अलग अलग स्टेशन कानपुर सेंटर है, 65 किलोमीटर दूरी पर है। अब नेक्स्ट स्थल तो कानपुर सेंटर है और बाकी तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी मतलब काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सब काम सही है। देखिए आगे और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बनाएं, व्यूज बनाएं। काफ़ी इसकी फैसिलिटीज अच्छी है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, रजाई वो कंबल सॉरी कंबल अम्बल भी मतलब काफ़ी सही है, बाथरूम वाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी मतलब जो इसके हम सफ़र की खास बात होती है वो तो सब आपको पता ही हुआ है। इसके अंदर बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, सीट भी काफ़ी अच्छी है। और हमने इसकी अपनी टिकट फरकाबाद से कराई थी, ये देख सकते हैं आप, 33 से लेकर 40 तक 36 मेरा नंबर है। और ये इस टाइम पे कन्नौज में आके खड़ी हुई है, ये 1 घंटे की देरी से चल रही है। इसमें इमरजेंसी विंडो भी है, फायर अलार्म भी है। गाड़ी ने हॉर्न दे दिया है, अब थोड़ी ही देर में ये चलने वाली है। जल्दी कन्नौज से डिपार्चर हो चुकी है। फरकाबाद रूट पे ये पहली हमसफर ट्रेन है जो उदयपुर से चल के पाटलिपुत्र जाती है। इसकी कुल दूरी 1565 किलोमीटर है और इसका ट्रैवल टाइम 34 से होबल है। और इसका मैक्सिमम मिनिमम किराया उदयपुर से पाटलिपुत्र तक का 1880 रुपये है और मैक्सिमम 2798 रुपये है, जो कि उदयपुर चंदेलिया कोटा सवाई माधोपुर असनेला भरतपुर होती हुई और मथुरा होती हुई आती है। इसके स्टॉपेज उदयपुर से चंदेलिया कोटा सवाई माधोपुर भरतपुर असनेला काजगंज से सीधे फरकाबाद है, फरकाबाद से कन्नौज से कानपुर से लखनऊ,
लखनऊ से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से बनारस, बनारस से मुगल सराय, मुगल सराय से आरा, आरा से दानापुर, होते इसके सबके स्टॉपेज है। और मेरी टिकट फरुखाबाद से कानपुर तक की है, देख सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है, यहाँ पे होल हो चुके हैं, पोल्स भी रखे हुए हैं। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम गोसाईगंज तक हो चुका है, गोसाईगंज में इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल लग चुके हैं। जो मेरा मेन उद्देश्य है वो आपको देखा, देखिए ये सब पोल लगे हुए हैं। ये यहाँ की पहली हमसफर ट्रेन है जो कि यहाँ पे रूट पर परमानेंट है। इसकी मेन फरुखाबाद से कानपुर तक के मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति ओवर है। ये देख सकते हैं, ये सब लाइटिंग वाइटिंग की सुविधा दी गई है। ये सब एसी भी मतलब काफ़ी अच्छा है। ये बहुत शुरू, ये बहुत बेसन है यहाँ का बाथरूम। आप जो देखिए इधर दूसरी तरफ जाने के लिए दी गई है। और इसके आप ये बाथरूम देख सकते हैं, इसका बाथरूम भी मतलब काफ़ी अच्छा है। इसमें नलके भी है ये, और ये आप अपने इससे इसे आप अगर आप बाथरूम गए हो तो इससे आप अपने हाथ धो सकते हैं। ये शैम्पू का काम करता है। बाकी इसमें बायो टॉयलेट इसमें लगा हुआ है, इसमें फ्लश एलर्ट का सबका दिया हुआ है। ये बाथरूम है। और चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने कोच में, जो मेरा है B5 में 36 नंबर, जिसे बंद हम लॉक कर देते हैं। चलिए चलते हैं, ले चलते हैं।
ये आप देख सकते हैं, दिन आज 11 तारीख है 2018, 6:05 हो रहे हैं। चलिए आपको आगे के लिए चलते हैं अपने ट्रिप कोच में। ये मेरी सीट है, इसमें लाइटिंग लाइटिंग की सब सुविधा दी गई है। इसमें आप अपना चार्जर वार्जर के, 3 चार्जर के पिन है एक सीट पे, और हम आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे होते हैं। इसमें आप चाहे देख सकते हैं इसकी ये सीट है, ये लोअर बर्थ मेरी सीट है, और इसमें मतलब काफ़ी सुविधा अच्छी है, एसी भी मतलब अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, और इसकी सीट भी काफ़ी मतलब लॉन्ग है। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें अपना सामान वामान रखने के लिए दिया गया है। एक इसमें जो लाइट बटन है ये वाली, इसमें बटन दबाने से चलती है। ये चार्जर की सुविधा दी गई है, ये सब चार्जिंग की है, और बाकी ये सब सी